लोग प्रधानमंत्री के प्रति दे रहे हैं पुष्प वर्षा के माध्यम से, वही एक तरीके से प्रधानमंत्री भी उनकी ओर वापस करते हुए, ये अपने आप में दिखाता है उस जुड़ाव को, कनेक्ट को। उत्तर बेंगलुरु की सड़कों से गुजरता हुआ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। इसमें बड़े बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी शामिल हैं, हर एक के चेहरे पर एक तरीके से खुशी देखी जा सकती है प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। और प्रधानमंत्री भी लगातार दोनों हाथों से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हर एक चेहरे तक अपने भाव को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ताकि जो लोग वहां पे पहुंचे हुए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए, उन तक अपनी बात को वो रख सके। ये अपने आप में बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि ये दिखाती हैं प्रधानमंत्री की उस स्वीकारता को, प्रधानमंत्री की उस शख्सियत को, कि कितनी बड़ी संख्या में लोग शाम के इस वक्त में बेंगलुरु की सड़कों पे मौजूद हैं। और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव अगर हम राजनीति के लिहाज से देखें तो 2023 का कर्नाटक का विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तीन धुआंधार चुनावी रैलियां और उसके बाद में रोड शो, प्रधानमंत्री का सुबह से लेकर शाम तक का बेहद व्यस्त कर्नाटक का कार्यक्रम, और हजारों की संख्या में लोग मौजूद पुष्प वर्षा करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उसी बात को एक तरीके से रेखांकित करते हुए हर एक की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। आयशा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि बेंगलुरु को अपने आप में एक बड़े शहर के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसे मेट्रो सिटी के तौर पर देखा जाता है, और यहाँ पे इस समय इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, लोग अपने अपने कामों में भी व्यस्त होते हैं, तमाम अन्य चीज़ों में भी व्यस्त होते हैं, उसके बावजूद इस वक्त इतने लोगों की मौजूदगी, ये क्या बयां करती है? जी हाँ बिल्कुल, ये लोग लगातार सुबह से इस रूट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, किसी ने कोई शिकायत नहीं कि धूप में दोपहर से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने कुछ दुकानों को बंद करने के लिए भी कहा था, तो लोग खुशी खुशी इसको भी, इस बात को भी मान गए और हजारों की संख्या में अपने दुकानों के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत कर रहे हैं। और लोग जो है न केवल जैसे कि मैंने बताया इस बैंगलोर नॉर्थ क्षेत्र से, बल्कि दूर दूर से आए हैं, कई संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, मागड़ी रोड और यशवंतपुर और दासरहली, ये तमाम क्षेत्र जो है बैंगलोर की, ये बहुत ही व्यवसायिक इलाके हैं, यहाँ पर कई बिजनेस सेंटर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस हब्स हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यशवंतपुर जाना जाता है, तो यहाँ से हजारों की संख्या में व्यवसायी यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए घंटों से इंतजार करते रहे। इसके अलावा छात्र जो है, कई स्टूडेंट्स, हालांकि सुरक्षा के नजरिए से बैंगलोर पुलिस ने ये कहा था कि इस रोड को अवॉइड किया जाए, क्योंकि कई जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई दूरे से छात्र चलकर इस इलाके तक पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इस इलाके में थोड़ा और आगे जाते हैं, प्रधानमंत्री अपना ये रोड शो एंड करेंगे सुमनहल्ली फ्लाईओवर जंक्शन के पास, वहीं पर कुछ ही दूरी पर डॉक्टर राजकुमार की समाधि है, पुनीत राजकुमार की समाधि है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यही उम्मीद करते हुए यहाँ पर भी जुटे हुए हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर से भी गुजरेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसपीजी प्रधानमंत्री को उस रूट से वहाँ पर जाने की इजाजत देगा, लेकिन इधर हजारों की संख्या में जो लोग और हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री को जिन पॉइंट्स तक प्रधानमंत्री का रोड शो या काफिला अभी पहुंचेगा वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन सड़क के दोनों ओर जो दुकान है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उन पर भी, छतों पर, बालकनी में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, वो भी एक झलक प्रधानमंत्री की पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में न सिर्फ सड़कों पर बल्कि हर वो गली चौराहे, घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो इस सड़क के दोनों ओर मौजूद है, वहां पर भी लोगों की मौजूदगी, कैमरे के साथ में एक तस्वीर को कैद कर लेने की उत्सुकता, ये भी अपने आप में दिखाती है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार की जन स्वीकारता है। लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए उभड़े हुए हैं, और ये सड़क के दोनों ओर का विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के काफिले को, जो उनका वाहन है, उसके वाहन के आने से पहले एक तरीके से फूलों से पट जा रहा है, यानी पुष्प वर्षा लगातार पूरे इस दरमियान देखने को मिल रही है। लोग शोरूम्स पे,
या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनकी बालकनी में छत पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं का एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आशा अगर देखा जाए तो बेंगलुरु के इस इलाके में, या कहा जाए इस इलाके से जुड़ी हुई तमाम विधानसभा की सीटों के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो ये रोड शो अपने आप में किस प्रकार से एक बड़ा एक राजनीतिक कदम या बीजेपी के लिहाज से, या कहा जाए किस तरह से अपने आप में दिखाता हुआ नजर आएगा? आयशा जी, देखिए नरेंद्र, जैसा कि मैंने पहले बताया, बैंगलोर एक ऐसा महानगर है जिसमें 28 सीटें हैं और बहुत अहम होती है ये 28 सीटें तमाम पार्टीज के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, जो बैंगलोर जीता वो विधानसभा उसी का होगा। तो यानी कि जो बैंगलोर की 28 पूरी सीटें जीत लेता है तो वो सरकार बनाने में एक स्थिर सरकार देने में कामयाब हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य है कि पूरी की पूरी 28 सीटें यहाँ से जीत ली जाए। देखिए, बैंगलोर उत्तर, बैंगलोर केंद्र, 3 लोकसभा सीट है बैंगलोर में, बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर उत्तर और बैंगलोर दक्षिण में, और इन तीनों सीटों पर बीजेपी का राज है। तो अब बैंगलोर के नॉर्थ पर भी बीजेपी का बीजेपी के सांसद है सदानंद गौड़ा, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस विजय रथ पर सवार है। तो बीजेपी का यही लक्ष्य रहेगा कि बीजेपी जैसा लोकसभा में शानदार परफॉर्मेंस करके लोकसभा सीटें, तीनों लोकसभा सीटें अपने पाले में लाई है, तो ऐसे ही बैंगलोर में 28 पूरी सीटें बैंगलोर को बीजेपी जीत सके। और ये जैसे कि मैंने बताया, इस वक्त बीजेपी के पास 12 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 13 हैं। बहुत ही नेक टू नेक फाइट होती है बैंगलोर सीटों के लिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यशवंतपुर, आरआर नगर और दासरहली, यहाँ पर बीजेपी की जो पकड़ है, खासकर उस छोटे व्यवसायिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हब्स में, जो यशवंतपुर एक मार्केट है भाई, एपीएमसी यार्ड है यहाँ पर, और इस पूरे इलाके में तमाम लोग यही मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छोटे व्यवसायों के लिए जो कई स्कीम लॉन्च की थी, खासकर पोस्ट पैंडेमिक के दौरान जो सहायता केंद्र सरकार ने की थी, वो लोग अभी तक नहीं भुला पाए हैं। और यही इनमें से छोटे छोटे व्यापारी और छोटे छोटे वेंडर्स जो है यहाँ पर सड़कों पर खड़े प्रधानमंत्री का आज स्वागत कर रहे हैं। और ये भी खास बात यह है कि बैंगलोर क्षेत्र, अगर जाति के हिसाब से हम देखें तो बैंगलोर क्षेत्र ज्यादातर वक्कलिगा जाति डोमिनेटेड है, और यहाँ पर इस वक्त करीब 12 वक्कलिगा विधायक हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ दोनों पार्टी। तो अभी यही कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में भी बीजेपी तमाम लोगों को सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए अपने साथ लेकर चले। और बीजेपी ने जो एक विजय संकल्प यात्रा शुरू की थी, उसमें बीजेपी ने एक नारा दिया था, बीजेपी ये भरोसे, यानी बीजेपी ही भरोसा है और बीजेपी पर विश्वास करिए। तो ये लोगों को, कर्नाटक के लोगों को, बैंगलोर के लोगों को बीजेपी ने विश्वास दिलाया है। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें भरपूर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये शानदार कैंपेन जरूर उनके लिए बैंगलोर में एक बेहतर राजनीतिक माहौल क्रिएट करेगा। बिल्कुल आयशा, हमने देखा कि प्रधानमंत्री की आज 3 धुआंधार चुनावी रैलियां, और उन्होंने उस बात को भी आज जनता की, कर्नाटक की जनता के सामने रखा कि कैसे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वर्षों से उनको व्यक्तिगत तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। और उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि उन्हें ये जानकारी दी गई कि 91 से ज़्यादा बार उनके लिए अपशब्द या निजी टिप्पणियां की गई हैं, जो कि बेहद अशोभनीय तरीके से थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि हर एक बात का जवाब कर्नाटक की जनता देगी, और यहाँ हजारों लोगों की मौजूदगी, वही कर्नाटक की जनता जो इतने प्यार और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है, ये भी अपने आप में उन तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जवाब देती हुई तस्वीरें। जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के सामने ये बात रखी कि कैसे उन्हें 90 से ज्यादा गालियों की लिस्ट उनके पास है। कि हर बार जब चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, तो उनके लिए नई नई गालियां कांग्रेस की तरफ से क्रिएट की जाती है। तो प्रधानमंत्री ने खुद गिनाया है कि कितने 90 से ज्यादा गालियां उन्हें दी गई हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस को सलाह भी दी, उन्हें नसीहत भी की कि गालियां देने के बजाय, उस पर तीखे वार करने के बजाय, पर्सनल अटैक करने के बजाय, अगर कांग्रेस विकास में जुड़ जाती, लोगों की वेलफेयर में जुड़ जाती, तो ये बेहतर होता और हो सकता है आज उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो बेहतर होती। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में
कांग्रेस को नसीहत भी दी है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने एक बहुत ही खास और बहुत ही दिलचस्प बात रखी हुमनाबाद की रैली में, और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि तमाम लोग घर घर जाएं और लोगों को नरेंद्र मोदी का नमस्कार पहुंचाए, यानी घर घर तक नमस्कार पहुंचाए। तो एक संदेश कैरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है, लोगों को उत्साहित किया है कि गाली के जवाब में जरूरी नहीं है कि गाली देना है, गाली के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तक नमस्कार पहुंचाने का एक संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को और तमाम लोगों को कि चुनाव से पहले वो घर घर मोदी का नमस्कार पहुंचाए। तो ये बात बहुत खास है, बहुत ही भावुक बात आज लगी हुमनाबाद के लोगों को भी, कर्नाटक के लोगों को भी, और कर्नाटक के लोगों को इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उन पर गालियां बरसाई जा रही है उसके जवाब में उन्होंने एक सिंपल शब्द में एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने लोगों तक अपने नमस्कार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कैंपेन का जो नैरेटिव है, जो डायनामिज्म है, वो अब बदल रहा है। कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस के पास शायद अब मुद्दों की कमी हो गई है, तो कांग्रेस अब पर्सनल अटैक पर उतर आई है। तो ऐसे में बीजेपी एक बैकफुट पर प्रचार करते हुए बीजेपी विकास का नारा रख रही है, सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार, ये बहुत अहम है क्योंकि इस चुनाव में कर्नाटक में शायद पहली बार है कि आयशा हम तस्वीरों में इस वक्त हम जो वहाँ के स्थानीय जो वाद्य यंत्र है उसको आवाजें भी सुन पा रहे हैं और हम ये देख भी पा रहे हैं कि तमाम लोग ढोल नगाड़े जैसी चीज लेकर भी पहुंचे हुए हैं और उसके साथ में स्वागत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक छटा को भी दिखाता है एक तरीके से नजर आ रहा है। लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ में, पारंपरिक उस विरासत के साथ में भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में ये ताशे बाशे, ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग बहुत सी तैयारियां करके पहुंचे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के लोगों की संस्कृति है, यहाँ की कला है डोल्लू कुनीता और गुम्बे कुनीता, यानी जो बड़े बड़े घुड़िया जैसे डांसिंग कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं बिगास। तो निश्चित तौर से अपनी बात ये बेहद महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो उत्तर बेंगलुरु में इस वक्त अपने आप में सड़क के दोनों हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी और लगातार लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी दोनों हाथों को हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए हर एक उस व्यक्ति का जो इस वक्त प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, लगातार लोगों का एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, इसमें पुरुष महिलाएं युवा बच्चे हर कोई शामिल है और लगातार हम वो देख रहे हैं किस प्रकार से लोग दौड़े जा रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र अगर देखा जाए तो दक्षिण में बीजेपी का मजबूत किला और पहले किले के तौर पर और लगातार उस मजबूती को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जुझारू तरीके से लगे हुए हैं और निश्चित तौर से आज की रैलियां और रोड शो एक बड़ा काम करती नजर आएंगी बीजेपी के पक्ष में। देखिए निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख एक तरह से कहें बीजेपी के लिहाज से जब सबसे पहली बार बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी सबसे हमने देखा कि उसके बाद लगातार कर्नाटक और कई अन्य राज्यों में एक तरह से देखें पार्टी की जो जिक्का जो जमीनी आधार है उसमें विस्तार हुआ है और हम आज की जो तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं रोड शो में इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं जब जनता पुष्पवर्षा करती नजर आती है। और दरअसल अगर आप इस लिहाज से देखें कर्नाटक की जो राजधानी है ये जो आईटी शहर है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी कई कद्दावर नेता यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। आप देखें कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या वो भी बेंगलुरु साउथ लोकसभा से चुनाव जीत कर संसद पहुंचे हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में युवा नेताओं को पुष्पित पल्लवित करने का काम भी बीजेपी कर रही है और बीजेपी दक्षिण की राजनीति के लिहाज से भी और कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो आधार है वो पहले से ही काफी मजबूत हो चुका है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि जो सफलता का सिलसिला है वो आगे जारी रहे और यही वजह है कि आज पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाओं की शुरुआत बीदर से हुई है और आज ही 3 जनसभा को संबोधित करने के बाद हम ये बड़ा रोड शो देख रहे हैं कर्नाटक की राजधानी में। तो निश्चित तौर पर
बहुत महत्वपूर्ण लिहाज से है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने के प्राथमिकता में विकास नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों पर राजनीति करती है जो जनता के हित के लिए नहीं है, और डबल इंजन की सरकार बीजेपी की जिस तरह से विकास के काम कर रही है, तो दरअसल बीजेपी जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में राज्य के विकास इस तरह से नहीं है। तो ऐसे में जनता को एक बार फिर से बीजेपी का साथ देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो राज्य के जो रणनीतिकार है, केंद्र का जो नेतृत्व है, वो इस बात से आह्लादित होगा जिस तरह की तस्वीरें आज यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रही है, रोड शो में। और निश्चित तौर पर हमने तीनों जनसभाओं में भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही, बड़े धैर्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों पर जिस तरह से रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो कनेक्ट है वो हमेशा से ही हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के रणनीति के लिहाज से आज की जो तीन की चुनावी जनसभाएं हैं, साथ ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है या उन इलाकों में फोकस कर रही है, हम देख रहे हैं जहां पर जनता दल एस का एक तरह से जनाधार माना जाता है, वहां पर भी इस बार बीजेपी बहुत फोकस कर रही है। और पार्टी को लगता है कि जनता दल एस के जीती हुई तमाम सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आएंगी। तो निश्चित तौर पर पार्टी की एक अपनी रणनीति है कि जिन सीटों पर वो चुनाव जीती थी उसे बरकरार रखा जाए, और इसके साथ ही साथ जिन सीटों पर सफलता नहीं हासिल हुई थी वहां पर इस बार जीत दर्ज की जाए। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, और उसके सबसे बड़े स्टार शैलेंद्र जो इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने आप में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम ये दिखाई पड़ रहा है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात की हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए आए हैं। उम्र के हर लिहाज से अगर देखा जाए, बच्चे बूढ़े युवा महिलाएं सभी हैं फूलों से स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री भी बेहद प्रसन्न मुद्रा में हर एक व्यक्ति के अभिवादन को सहर्ष स्वीकार करते नजर आ रहे हैं, और दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, आज तीन बड़ी चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर, और अब बेंगलुरु में ये रोड शो, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण वर्तमान में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आयशा भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई। आयशा, हमने देखा है कि जनता तक पहुंचने को लेकर हर वो माध्यम का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं जो भी संभव है, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो रियल हो, और चाहे रैली के माध्यम से हो, रोड शो के माध्यम से हो, हमने देखा कि प्रधानमंत्री कभी मौका नहीं छोड़ते। और बीते तमाम चुनावों में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तमाम राजनीतिक जानकार ये कहते रहे हैं कि अपने आप में बीजेपी को एक बड़ा फायदा के तौर से मिलता रहा है। तो निश्चित तौर से ये रोड शो भी अपने आप में बहुत कुछ उस कहानी को दोहराता नजर आएगा। आयशा, बिल्कुल